हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेट इलेक्ट्रिकल 2021 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको देखो कैसा करते, यहाँ पे ये मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट का क्वेश्चन है एक्चुअली। वहाँ से हमें क्या करना, इनपुट इम्पिडेंस की वैल्यू पूछी गई है जेड इन की। तो इसको करने का तरीका क्या था, पहले इसका हमें इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना था। इक्विवेलेंट सर्किट क्या ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे देखो एक टिप्स दे रखा, और वैसे मैंने मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट पे एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है लंबी चौड़ी। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट का देख सकते हैं, उसका मैं लिंक भी लास्ट में डाल दूंगा। फिलहाल तो देखो इसको कैसे करते हैं, यहाँ पे ये दे रखा है इसका यूज करना। इफ करंट एंटर इन बोट डॉट टर्मिनल, तो क्या होता है, वोल्टेज की जो पोलरिटी लेते हैं हम वो प्लस माइनस लेते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, अदरवाइज क्या रहेगी, माइनस प्लस इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये जो डॉट है इनमें जो करंट एंटर कर रही है लीव कर रही है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। फिलहाल करंट हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, मान लो इसमें आई वन ऐसे फ्लो रही है, कोई भी डायरेक्शन ले लो आंसर सेम ही आना अगर नीचे वाला रूल फॉलो करोगे। तो मैंने कह दिया ये आई वन करंट फ्लो रही है, इसमें आई टू करंट फ्लो रही है। अब देखो इसका इक्विवेलेंट मॉडल ड्रॉ करेंगे, मॉडल ड्रॉ करने के बाद क्या करेंगे, उन सब का लाप्लास ले लेंगे। फोर ओम यहाँ पर आ गया, नीचे 6 हेनरी, इसके साथ क्या आ जाएगा, एक वोल्टेज सोर्स। अब वोल्टेज सोर्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, म्यूचुअल इंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाय करंट इन अदर कॉइल, जो सेकेंडरी वो, तो इसमें करंट कितनी है, आई टू, 1 × I2 आ गई इसकी वैल्यू। और यहाँ पे इसकी पॉजिटिव क्या होगी, दोनों में देखो एंटर कर रही है, इस वाले में भी एंटर कर रही है और इस वाले में भी एंटर कर रही है, तो दोनों जगह एंटर कर रही है, तो केस क्या हो गया, प्लस माइनस वाला। बस इसका ये बन गया लेफ्ट साइड का इक्विवेलेंट सर्किट। अब राइट साइड का बनाते हैं, ये 4 हेनरी आएगा, उसके साथ वोल्टेज सोर्स आएगा 5 ओम को उधर ऐसे ही कनेक्ट कर देते हैं। इसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी, प्लस माइनस इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, दोनों में ही एंटर कर रही थी। और इसके वैल्यू कैसे निकलेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाय करंट इन अदर कॉइल, कितनी है वो, आई वन, दूसरी वाली में करंट फ्लो हो रही है। बस ये बन गया इसका, इसका क्या कर देंगे, लाप्लास ले लेंगे और कुछ नहीं। तो हमें यहां से निकालना है, क्या निकालना, जेड इन की वैल्यू। यहां पे देखो ये 6 हेनरी है, इसका कितना हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा इसका जब लाप्लास लेंगे। ये 1 I2 है, तो इसका लाप्लास कितना हो जाएगा, I2 मल्टीप्लाई बाय s, ये अब 1 I1 है, इसका लाप्लास कितना हो जाएगा, I1 s हो जाएगा। ठीक है, और कोई तो है नहीं जिसका लेना हो। जेड इन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे मान लिया हमने एक वोल्टेज v, और इससे करंट तो हमें पता ही है इसमें कितनी फ्लो हो रही है, कितनी करंट फ्लो हो रही है, I1। तो जेड इन की जो वैल्यू होगी क्या आएगी, हमें पता चल गया यहाँ से, v अपॉन I1, ये हमें निकालना, इसमें करंट फ्लो हो रही थी I2। अब दो क्या करना, दो हमारे पास अलग अलग वो है, इनमें क्या कर देंगे हम KVL लगा देते हैं। चलो KVL लगाना शुरू करते हैं, पहले जो राइट साइड में है उस वाले में लगाते हैं, तो इसमें लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 I2, 5 I2 प्लस यहाँ पे आया ये जो ये 4 है, अभी इसका नहीं लिया हमने, इसका कितना आ जाएगा, 4 का 4s, तो 4s में मल्टीप्लाई हो जाएगी किसी करंट की, 4s I2। इस नीचे ये वोल्टेज सोर्स आ गया I1s इज इक्वल्स टू 0। अब मुझे ध्यान से देखो V/I1 निकालना, तो I2 की तो मुझे जरूरत है नहीं, I2 की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। I2 कितना आ गया यहाँ से, 5 + 4s इज इक्वल्स टू -I1s। I2 की जो वैल्यू आ गई यहाँ से कितनी आ गई, -I1s/5 + 4s। इसी को हम क्या कर देंगे, दूसरी इक्वेशन आएगी, I2 की वैल्यू उसमें लगा देंगे। यहाँ पे जगह नहीं है, फिलहाल देखो कैसे लगाएंगे, KVL यहाँ से शुरू करेंगे इस टाइप से, तो -V, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, -OV
फोर आई वन ठीक है, ये 4 I1 आ गया। फिर 6S से कितनी करंट और जा रही है, I1, 6S I1, और नीचे ये वोल्टेज सोर्स आ गया I2S, I2S इजिकल्स टू 0। I1 की वैल्यू आ चुकी है, हम I1 की इसमें वैल्यू लगा देंगे, 4 I1 6S I1 प्लस I2 की वैल्यू आई है, एक सेकेंड, I2 वैल्यू नेगेटिव आई है तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, -I1S अपॉन 5 + 4S, -I1S 5 + 4S मल्टीप्लाई बाय S इजिकल्स टू 0। अब यहाँ पे देखो V को मैं उस साइड भेज देता हूँ, राइट साइड में, तो ये हो जाएगा V इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना बचा ये, 4 I1 6S I1 -I1 S इंटू S हो जाता है S² अपॉन 5 + 4S। I1 कॉमन ले लो यहां से, फोर प्लस 6X -I1 S² अपॉन 5 + 4S। क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं इसका, I1 का फिलहाल डिवाइड कर दो, V अपॉन I1 यही हमें निकालना था, जो जो था मेरा क्या, Zin, इधर बस एलसीएम लेना है मुझे, तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 + 4S, इधर मल्टीप्लाई करो, 4 की हो जाएगा 20 + 16S, 6X की करेंगे इधर 30S, और यह हो जाएगा 24S² -S² इजिकल्स टू 24 - S² होगा तो कितना हो जाएगा, 23S² और यह हो जाएगा 30 और 16 हो जाएगा 46S + 20 अपॉन लिख लो इसे 4S + 5, ये क्या था इसका आंसर हो जाता। फिलहाल ये तो ऑप्शन था, देखते हैं कौन सा ऑप्शन था, 23S² 46S + 20, 4S + 5, 23S² 46S + 20, 4S + 5, ऑप्शन नंबर एक क्या था इसका, करेक्ट आंसर था, ठीक है एग्जैक्टली यही आया हमारा। देखो काफी आसान था, बस इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना था, उसके बाद तो KVL ही लगाना था। आई होप आप सबको ये समझ आया होगा, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।